सरोकार। एडीएम सिटी अंजनी कुमार ने होल एसोसिएशन के साथ की बैठक, रात 10 बजे के बाद नहीं मनाया जाएगा नववर्ष। दयाल अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, पुलिस अधिकारियों ने घटना की जांच के दिए आदेश। स्वास्थ्य विभाग एसओजी टीम ने अवैध लिंग जांच केंद्र पर की छापेमारी, गर्भवती महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। शराब पिलाने का विरोध करने पर दबंगों ने सेल्समैन की पिटाई के, मरणासन्न हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बुजुर्ग के अवैध संबंधों में की गई हत्या, मृतक के परिजनों ने पड़ोस की महिला पर हत्या का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। आगरा के एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने नववर्ष को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर होटल एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की रात 10 बजे के बाद नववर्ष मनाने और ध्वनि प्रदूषण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बैठक में उपस्थित होटल स्वामियों को कोविड गाइडलाइनों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। नववर्ष को लेके होटल एसोसिएशन के साथ हमने बैठक कर ली है। सबसे आग्रह किया है कि सभी लोग कोविड को लेके सचेत रहें, अपने स्टाफ को, अपने गेस्ट को मोटिवेट करते रहें, निगरानी रखें। कहीं भी अगर कोई सस्पेक्टेड केस मिलता है तो तत्काल सूचना दें, और ख़ासकर विदेशी जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनके बारे में प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप पर सूचना दें। चंदौली के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के दयाल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते समय 2 व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि ये हादसा उस समय हुआ जब दोनों कर्मचारी ऑक्सीजन सिलेंडर उतार रहे थे, तभी अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और दोनों व्यक्ति के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर जिले के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। तो वहीं घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे मामले के लिए जांच टीम लगाई गई है और सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। जो तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, थाना मुगल सराय के अंदर जो मेडिकल ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल है गली में, उसके वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा था। जब उसको उतार रहे थे दो लोग जिनके द्वारा वो लेके आए, तो वो उतारते हुए या तो हैंडलिंग के कारण, अभी पूरी जाँच उपरांत पता लगेगा किस कारण वो ब्लास्ट करा। जब वो ब्लास्ट कराए तो इसमें 2 लोगों की जो बताया जा रहा है कि यहाँ मृत्यु हो गई है, उनकी जो बॉडीज़ हैं उसको मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी लैप्सेज होंगे उसके ऊपर भी पूरी जांच करके उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी, किस कारण से वो फटा, गिरने से फटा या। रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा अपराधियों पर शिकंजा कसने के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद है। पेट्रोल टंकी पर काम करने वाले एक कर्मचारी का वीडियो सामने आया है जिसका नाम अजय कुमार यादव है। युवक ने पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल लेने के बाद पेट्रोल पंप कर्मी को सोनू ढाबा पर धमकाते हुए बुलाया। जब उसने वहां जाने से मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसकी युवक ने तहरीर दी है। इसके बावजूद अभी तक अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है। क्या घटना घटी है? घटना यही घटी है सर, मैं पेट्रोल पंप पे था, 3:30 बजे मेरे पास गए तेल डलवाने। वहाँ से तेल डलवा के आए, 15 मिनट बाद फोन आया कि सोनू ढाबा आ जाओ। मैं बोला भाई मैं सोनू ढाबा नहीं आऊँगा। तो बोले अगर नहीं आओगे तो मैं गोली मार दूंगा। मैं बोला कोई बात नहीं, जब मारना है जब मार लेना। कौन लोग धमकी दे रहे थे आपको? सुरेश कुमार। पहचानते हैं आप? हाँ जी पहचानते हैं। पिताजी का उनके क्या? अमरोहा के हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई की। अधिकारियों ने अवैध भ्रूणलिंग जांच केंद्र से गर्भवती महिला आशा बहू समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से अल्ट्रासाउंड मशीनें और अन्य उपकरण जब्त किए गए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह पुंडी ने बताया कि महिला ने भ्रूणलिंग जांच के लिए 15,000 रुपए दिए थे। उन्होंने बताया कि आरोपी हसनपुर में स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक की मिलीभगत से क्लिनिक का संचालन कर रहा था।
कोतवाली प्रभारी ने थाने में गर्भवती महिला और अन्य आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की। हरियाणा से? तो हरियाणा से यहाँ इतनी दूर आने का क्या मकसद है आपका? इतनी दूर जो आई हैं आप, क्यों आई हैं? है? तो इतनी दूर मतलब हरियाणा से यहाँ तक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और जगह भी तो थी यहाँ, रात में अल्ट्रासाउंड का क्या मतलब है ये बताओ। मेरे घर वाले को तो रास्ते में छोड़ी आई है। हैं, तुम्हारे घर वाले को? तो तुमसे कितने पैसे की बात हुई है? मामला माननीय प्रधानमंत्री जी के जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है उसके तहत हम लोग भ्रूण लिंग जांच करने वाले जितने भी सेंटर हैं या लोगों लोग अपने मोबाइल से अल्ट्रासाउंड मशीन से या अन्य यंत्रों से जो सेक्स डिटेक्शन कर रहे हैं उसकी रोकथाम हेतु हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमें सूचना मिली थी कि हापुड़ में इस तरह की कोई कार्रवाई होने जा रही है तो हमने उस पर ही अपना ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वो वहाँ ना होते हुए मरीज को इधर यहाँ पर अमरोहा के हसनपुर के पास लेके आया है जहाँ यहाँ पर एक व्यक्ति जो झोला छाप है उसके पास एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन मिली जिसके द्वारा इसने यहाँ पर पूरा इसका महिला का भ्रूण लिंग जांच करी। खबर रायबरेली से है जहाँ उन्नाव जनपद से लापता युवती सड़क किनारे बेहोशी हालत में मिली। युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। आनंद फानंद में राहगीरों ने युवती को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवती को गांव के ही दो युवक आए दिन परेशान कर रहे थे जिसके चलते युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया है। रायबरेली पुलिस अधिकारियों ने उन्नाव जनपद पुलिस को युवती के संबंध में जानकारी दी और अग्रिम कार्रवाई करने में मदद मांगी है। आई है और क्या है पूरा मामला? ये सालनी नाम की लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष है। जो परिजनों द्वारा यहाँ लाई गई, जो बताया गया कि इन्होंने कुछ विषाक्त पदार्थ जहरीला पदार्थ खाया है जिसके लिए इनको भर्ती कर लिया गया तथा उपचार चल रहा है। क्या हालत है इस समय? हालत लगभग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अभी इलाज प्रारंभ किया गया है, बाकी देखते हैं कि। गाजियाबाद में लोनी कोतवाली क्षेत्र के न्यू विकास नगर कॉलोनी में बुजुर्ग व्यक्ति कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही कॉलोनी में दहशत का माहौल बन गया है। लोनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बुजुर्ग की हत्या की आशंका प्रेम प्रसंग के चलते जताई जा रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक के बेटे का पड़ोस की महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 5 दिन पहले महिला प्रेमी के संग फरार हो गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन में जुट गई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में परिजनों द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर दिया गया था जिस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए टीम को गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया था। टीम द्वारा तत्परता से इसमें कार्रवाई करते हुए और अभियुक्त। रायबरेली में शराब न पिलाना एक सेल्समैन को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि एक दर्जन से अधिक दबंगों ने दुकान के अंदर घुसकर सेल्समैन की जमकर पिटाई की। गंभीर हालत में सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सभी दबंग युवक को मर्डासन हालत में छोड़कर धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक मारपीट का मामला है, क्या है? एक शिवम नाम का पेशेंट, करीब 25 साल उम्र है उसकी, जो कि सीएससी अमावा से रेफर किया गया था मेडिकल करके। बाकी उसको एग्जामिन करने पे यही पता चला कि सर पे चोटें लगी थी, उसके बाएं हाथ पे चोटें लगी थी, दोनों पैर पे चोटें लगी हैं। बाकी पता करना, अटेंडेंट यही बताया कि मारपीट का मैटर है, किसी शराब की दुकान पर काम करता है, एम्प्लॉई है वहाँ का। और क्या मैटर हुआ, लेन देन का कुछ मैटर रहा होगा, जो भी जिससे मारपीट हुआ तो उसको कई लोगों ने मिलकर मारा। बाकी मैंने एग्जामिन किया उसको, सर पे चोटें आई हैं, गंभीर हालत में था, जिसको भर्ती कर दिया गया है, उसको इलाज। हरदोई के मल्लावा थाना के एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। महिलाओं ने पल्लू घूंघट की आड़ में धारदार हथियार से मारपीट की और झगड़े में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। महिलाओं के झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना की जानकारी पर मल्लावा थाना पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एक ही जमीन दोनों पक्षों के नाम पर पट्टा है जिसको लेकर दोनों भूस्वामियों में विवाद हो गया है।
थाना मल्लावा पर श्रीकांत सना प्राम प्रसाद निवासी करवा ने प्रार्थना पत्र दिया है कि राम स्वरूप आज चार नफर लोगों ने उनके खेत पर मेड़ तोड़ कब्जा करने की कोशिश की, दीवार बनाने लगे तथा गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया। जब उन्होंने मना किया तो उनसे जान से मारने की धमकी दी तथा गाली गलौज किया। पुलिस को इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य लोगों को भी शीघ्र गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा। सर वीडियो में क्या दिखाई पड़ रहा है? मारपीट का मामला है, अन्य और जो लोग हैं उससे पहचान की जाएगी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।